शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देन दादा, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे बली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देन दादा, मन का विश्वास कमजोर होना। मैं अंकित हूँ और आज मुझे हिंदी दिवस पर भाषण देने का अवसर प्राप्त हुआ है। 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। हमारा देश भारत अनेकतम एकता वाला देश है और हमारे देश भारत में बोलने वाले विभिन्न भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक उपयोग और बोलने वाली भाषा है। 14 सितंबर 1949 को महात्मा गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। हिंदी दिवस मनाने के पीछे सरकार का प्राथमिक उद्देश्य हिंदी भाषा की संस्कृति को बढ़ावा देना और फैलाना है। हिंदी प्राचीन भाषाओं में से एक है और वह संस्कृत भाषा की अवरोही है। हिंदी भाषा की इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुरानी है और वह हमारी राष्ट्रभाषा है। सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी हमारी पहचान है, हमारा गर्व है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी का सम्मान देश का सम्मान है। हमारी स्वतंत्रता वहाँ है, हमारी राष्ट्रभाषा जहाँ है। धन्यवाद। नमस्ते। आज हिंदी दिवस है। मन की भाषा है हिंदी, प्रेम की भाषा है हिंदी, भारत जन की भाषा है हिंदी। आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते। आज हम 14 सितंबर का यह पावन दिन हिंदी दिवस के रूप में मना रहे हैं। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी। हिंदी अपनाकर तुम बनो महान। इस अवसर पर आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस। 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में हमारे संविधान सभा ने सम्मानित किया गया था, इसलिए हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। और 14 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं। इस शुभ अवसर पर आप सबको हिंदी दिवस एवं हिंदी पखवाड़े की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते मैम, मुझे नई जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मुझे जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगा थोड़ा जाएंगी, बाल लगा लो मर जाएंगी। पानी में डाले तो डर जाएंगी, पानी में डाले तो डर जाएंगी, पानी में डाले तो डर जाएंगी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है।
हाथी लगा तो डर जाएंगी, बाल निकालो मर जाएंगी, पानी में डाले तो डर जाएंगी, पानी में डाले तो डर जाएंगी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम दक्षा जी है, मैं प्रथम कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता पेश करने जा रही हूँ। बीबी बीबी सो जाओ, डाल पल पर सो जाओ, तेरी मम्मी आएगी तुझको दूध पिलाएगी, तेरे पापा आएंगे केक खिलौने लाएंगे, केक के बेलबूल कहे काले मुन्ना मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं तुम हमारे मामा नहीं, मामा गाए दिल्ली महा सुलाए पिल्ली, पिल्ली के दो बच्चे बच्चे कितने अच्छे। धन्यवाद। नमस्ते मैम, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, कृष्ण पूरे देश को कचोरा हो मजबूत दहा है हिंदी, सरन सबको मैं ककाया तो जीवन की परी भाषा है हिंदी, भारत माही शाही हिंदी, हिंदुस्तान कामान है हिंदी, मानिका भ्रांता है हिंदी, हम सबका आदर है हिंदी, सगन सप्तो मृक काया तो हर बार देगी दर्शन है हिंदी। धन्यवाद मैम। मैं हिंदी दिवस के अवसर पर आपका अभिनंदन करता हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की भाषा है हिंदी, भारत की है बोली है हिंदी, हम सब की है कमजोरी है हिंदी, भारत माँ की अभिमान हिंदी। धन्यवाद। नमस्ते मैम, मेरा नाम स्वालिहा, मेरी कविता का शीर्षक है तितली रानी तितली रानी, तितली रानी तितली रानी, कितनी प्यारी कितनी सियानी, रंग बिरंगे पंख सजीले, लाल गुलाबी नीले पीले, तितली रानी कितनी प्यारी कितनी सियानी, फूल फूल पर जाते हैं हो, गुनगुन गुनगुन गाती हो, कली कली पर मंडराती हो, मीठा मीठा स्पीकर उड़ जाती हो, तितली रानी कितनी प्यारी कितनी सियानी। धन्यवाद मैम। नमस्ते, मेरा नाम वेदव्यास कालिदास है, कविता का नाम है सबसे पहले। आज उड़ान में सबसे पहले आज चुनूंगा पौड़े पौड़े की डाली पर, फूल गले जो सुंदर सुंदर देखूंगा पूरब में फैले, बादल पीले लाल सुनहले, आज उदा में सबसे पहले आज चुनूंगा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अनश है, मैं कक्षा एक छात्रा हूँ। मेरा स्कूल कितना सुंदर है स्कूल, इसमें रंग बिरंगे फूल सुहाने सबको बातें, उन्हें देखा सब लल जाती, टीचर हमको पाठ पढ़ाती नई नई बातें सिखलाती,
फूलों से फूलों से गिनती करवाती टॉफी देखा हमें खिलाती। धन्यवाद। नमस्ते जी, मेरा नाम आशा हूँ। मेरा कविता का नाम प्यारी माँ। प्यारी प्यारी अम्मा मेरी मीठे मीठे गीत सुनाती, ताजा ताजा दूध पिलाती, तरह तरह का गाना देती, मेरी सारी बातें सुनती, अच्छी अच्छी सीखें देती, संग सुलाती, सुबह जगाती, कितनी प्यारी अम्मा मेरी। धन्यवाद। मेरा कविता का शीर्षक है कितनी रानी कितनी रानी कितनी प्यारी कितनी सयानी, रंग बिरंगे पंग सजीले, लाल गुलाबी नीले पीले, तितली रानी कितनी प्यारी कितनी सयानी, बूल बूल पर जाती है गन 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 गाती है, तितली रानी कितनी प्यारी कितनी सयानी, अपने कोमल पंख दगाती है, तितली रानी कितनी प्यारी कितनी सयानी, इस बगीचे में आना रानी, तितली रानी कितनी प्यारी कितनी सयानी। धन्यवाद मैम। नमस्ते, मैं मेरा नाम मधुर कृष्णा। धोबी आया कपड़े साफ कितने तपड़े लाया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और बस, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और बस। धन्यवाद मैम। नमस्ते, मेरा नाम दिया। कविता का नाम तितली रानी बड़ी से यानी फूल फूल पर जाती है, फूल फूल से रंग जुड़ाकर अपने पंख सजाती है, जब उसे जावो पगदने जद से वो उड़ जाती है। धन्यवाद। नमस्ते, आज मैं आप सभी को हिंदी पर एक कविता सुनाई जा रही हूँ। मेरी कविता शीर्षक है राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी। हम सबकी प्यारी हिंदी लगती सबको न्यारी, हिंदी मीठी मधुर और सरल राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी। सबके रंग में है रंग जाती, सम्मान की यादगारी हिंदी, वेद पुराणों का गुणगान राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी। कीमत अपमानित होती हिंदी, पहचान है हमारी हिंदी, गौरव है हिंदुस्तान का राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी। आज मैं हिंदी पर एक कविता बताना चाह रही हूँ। मेरी कविता का नाम है भारत का मान है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत के आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश का जोड़ा वो मजबूत धागा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की परंपरा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, माँ की ममता है हिंदी, पिताजी की छाया है हिंदी,
हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत का मान है हिंदी, जय हिंद जय भारत। मेरा नाम श्रेया है, आज मैं हिंदी दिवस के बारे में एक कविता सुनाती हूँ। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत का माँ है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत का आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ा वो मजबूत धागा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की परंपरा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन का परिभाषा है हिंदी, माँ के ममता है हिंदी, पिता का छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत का मान है हिंदी, भारत का मान है हिंदी, जय हिंद जय भारत। नमस्ते, मेरा नाम वैष्णव, अंक टोकरी, 6 साल की चोकरी, बर्क लाई टोकरी, टोकरी में आम है, नहीं बताती दाम है, दिखा दिखा कर टोकरी, हमें बुलाती चोकरी, हमको देती आम है, नहीं बताती नाम है, नाम नहीं अब पूछना, हमें आम है चूसना, धन्यवाद। धन्यवाद मैम। नमस्ते, मैं हूँ अद्वैत यस। कविता बहुत हुआ। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात जुआ, बहुत हुआ। जाए कहां पर खेल, अरे फसेल बोरियत छेरे, जो पिंचरे में मोन सुआ, बहुत हुआ। सूरज दादा बिलाए, तल नदी सड़कों से जाए, तुम भी भैया करो धुआ, बादल भैया बहुत हुआ। धन्यवाद। नमस्ते,
तेजी ने विनय चंद्र का एक आशा लिखे गीत गा रही हूँ। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, बेला गुलाब जो ही चंपा चमेली, प्यार प्यार फूल गोंदे माला मेक है, गंग यमुन ब्रह्म गुप्त कृष्ण कावेरी, जाके मिल गए सागर में हुई सभी एक है, कोयल की कुकुनारी पप्पी है किटेर प्यारी, गा रही तेरा ना बुलबुल यास्क मगर एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। धन्यवाद। नमस्ते सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आज मैं एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। कविता का नाम है भारत का मान है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ा वो मजबूत धागा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता है परंपरा है हिंदी, सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत का मान है हिंदी, भारत का मान है हिंदी। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय गुरुजी प्रिय मित्रों, मेरा नाम मालविका, एक बहुत सुंदर कविता बताने जा रहा हूँ। हे कविता का शीर्षक है जगमग तारा, देश हमारा चमके जैसे जगमग तारा, देश हमारा सत्य अहिंसा कारक वारा, देश हमारा बलिदानों ने उसे चंबारा, देश हमारा हम है अपनी जान से प्यारे, देश हमारा सागर ने जिसका पाव पसारा, देश हमारा सत्य की जय संदेश, देश हमारा हम है अपनी जान से प्यारा, देश हमारा। धन्यवाद। नमस्ते। न समझे हिंदी को कम, गर्व से बोले हिंदी हम, न समझे हिंदी को कम, गर्व से बोले हिंदी हम। मैं जास्पर ऑगस्टस इस हिंदी दिवस पर प्रस्तुत करता हूँ श्री सुनील जोगी का कविता हिंदी हमारी आन है। हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है, हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा ज्ञान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है, हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है, वाणी का शुभ वरदान है।
धन्यवाद। नमस्ते आदरणीय अध्यापकों और मेरे प्रिय मित्रों, सबको मेरे हिंदी दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे कविता सूरज जाया हुआ सवेरा सूरज जाया अपने साथ उजाला लाया, ढाल ढाल पर पंजी चल के रंग बिरंगे फूल में महके, कुहू कुहू कर कोयल गाए अपने सुर से हमें जगाए, चोट कर बिस्तर जाओ सारे लड़का यह हो गाना गाए, ठंडी ठंडी हवा चल रहा तितली फूलों पर मटरा रही है, आलस त्यागो काम करो सब सूरज रही संदेश लाया, आलस त्यागो काम करो सब सूरज रही संदेश लाया। धन्यवाद। ये कविता का शीर्षक है भारत का मान है हिंदी। जिन जिन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ा वो मजबूत धागा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एगरा की परंपरा है हिंदी, सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, माम की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत का मान है हिंदी, भारत का मान है हिंदी। जय हिंद जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम आरिका, हिंदी कविता भारत का मान है हिंदी, जल जल का भाषा है हिंदी, भारत का आशा है हिंदी, हिंदुस्तान गौरव है हिंदी, इत्ता परंपरा है हिंदी, जीवन का परिभाष है हिंदी, माम की ममता ही हिंदी। मदा की छाया है हिंदी, भारत का माम है हिंदी। जय हिंद। नमस्ते, मैं तीर्था, आज एक कविता सुनाता हूँ। इस कविता का शीर्षक अगर पेड़ भी चलते होते। इस कविता डॉक्टर दिविक रमेश ने लिखा था। इस कविता पेड़ों के बारे वर्ण किया है। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांध तने में उसके रस्से चाहे जहां कहीं ले जाते, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, जहां कहीं भी डूब सताते
उसके नीचे जड़ सस्ताते। जहाँ कहीं वर्ष हो जाते उसके नीचे हम चिप जाते। अगर पेड़ भी चलते होते इतने मजे हमारे होते। लगती जब भी भूख अचानक तो मधुर फल उसके गाते। आते कीचड़ बात कही तो जड़ उसके ऊपर चढ़ जाते। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हिंदी दिवस के अवसर पर आपका अभिनंदन करती हूँ। मैं आज हिंदी दिवस पर एक कविता सुना रही हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को है जोड़ा वो मजबूत धागा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। भारत माम की शान है हिंदी, हिंदुस्तान का मान है हिंदी। वाणी का वरदान है हिंदी, हम सबका आधार है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो हर भारतीय की पहचान है हिंदी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।